हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीता के दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशली फिश बिरयानी। फिश का भी बिरयानी बनाऊंगी। मैं आपको कैसे बनाया बताती हूँ। पहले तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये खाने में। इससे दुगना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छे से फ्राई किया है मैंने, उसके बाद बिरयानी बनाया। बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसे बना के। एक बार मुझे बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको इसकी बिरयानी। बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। पहले तो हमने ले लिया है फिश को। मैं इसमें रोहू फिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने डाला है गरम मसाला को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे देखिए जीरा और धनिया का पाउडर। उसके बाद हल्दी का पाउडर। उसके बाद ढेर सारे लाल मिर्ची पाउडर। ढेर सारे क्यों बोल रही हूँ, 2 स्पून मैंने लिया है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपको मिर्ची का पाउडर जो है। उसके बाद सरसों का ऑयल। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह मिला देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिला रही हूँ हाथों से। ऐसे ही मिलाना है जैसे नॉर्मली फिश फ्राई बनता है घर पे, वैसा ही बनाना है। बस उतना ही बनाना है। मैं थोड़ा मसाला जो ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि फिश का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा बन जाएगा इसके वजह से। थोड़ी देर हम इसको रख देंगे ढक के, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। थोड़ी देर मतलब 5 से 10 मिनट, बस उतना ही। थोड़ी देर मिनट करने के बाद हम इसको एक कढ़ाई पे आज फ्राई करेंगे। तवा पे नहीं करेंगे, कढ़ाई पे करेंगे, क्योंकि कढ़ाई पे करेंगे तो बहुत अच्छे से थोड़ा ज़्यादा ऑयल से फ्राई जैसा, डीप फ्राई जैसा हमको फिश चाहिए। इसके वजह से थोड़ा ज़्यादा तेल डाल के हम इसको फ्राई जैसा करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सारा तेल डाल दिया है मैंने। अभी इसमें फ्राई करूँगी। देखिए आप देख सकते हैं एक एक पीस मैंने डाल रही हूँ इसमें, और ये जो तेल आपका बच जाएगा, आप इसी तेल पे मैंने बिरयानी बनाया था, आप भी वैसा ही करिए। देखिए एक नीचे से पक गया है, तो फिर हम टर्न कर रहे हैं इसको उल्टा करके और एक साइड पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये ऑयल फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। देखिए पूरा रेडी हो गया हमारा फिश जो है, बहुत ही अच्छी तरह फ्राई होके निकल गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। उसके बाद मैंने वही पैन पे जितने भी फिश थे पूरे फ्राई करके निकाल दिया था। उसके बाद हम इसमें ऑयल को डालेंगे। आप देख सकते हैं वही ऑयल मैं इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद देख सकते हैं आप, हमने डाला है खड़ा मसाला, इलायची, स्टार फ्लावर, तेज़पत्ता, सिनेमन, लौंग, उसके बाद शाही जीरा, इन सबको डाल के थोड़ी देर फ्राई होने देना है। उसके बाद स्लाइसेस किया हुआ ऑनियन डालेंगे, और 2-3 ग्रीन चिली को हम कट करके डाल देंगे। इसको बहुत अच्छी तरह पकाना है। देख सकते हैं आप कलर चेंज होने तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, सबसे ज़रूरी। इसको बहुत अच्छी तरह पकाएंगे। उसके बाद आप इसमें डालेंगे कट किया हुआ टमाटर, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी टमाटर का पेस्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है फिश में, तो फिश के किसी चीज़ पे टमाटर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने टमाटर डाल दिया अभी, बहुत ही अच्छी तरह मिला देना है।
बहुत ही अच्छी तरह मिला देंगे हम। उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, मिर्ची का पाउडर। उसके बाद मैंने 6 से 7 टेबल स्पून मैंने ये यूज़ किया है कर्ड का। कर्ड को भी बहुत ही अच्छी तरह मिला देना है। उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने मिला दिया है बहुत ही अच्छी तरह। टमाटर पक जाए तभी कर्ड को डालना है। रेडी हो गया हमारा। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना का पत्ता डाल देंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे। एकदम थोड़ा सा 4 टेबल स्पून मैंने पानी का इस्तेमाल किया है इसमें। उसके बाद ऐसा दिखता है। उसके बाद हमारा जितना भी फिश था हम डाल देंगे अभी एक एक करके। आप देख सकते हैं किस तरह मैं फिश को डाल रही हूँ। और बहुत ध्यान से करना है ये, क्योंकि फिश जो है बहुत अच्छे से रोस्ट नहीं होगा तो वो टूटने की चांसेस बहुत है। क्योंकि अगर आप जो फिश है उसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो आपका जो फिश है टूट जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा बिरयानी में। टूट गया फिश तो बिरयानी में बहुत अच्छे से नहीं निकलेगा। ये सबसे ज़रूरी बात है, इसके वजह से बोल दिया है मैंने, आप ध्यान दीजिए एक बार। उसके बाद हम अभी राइस पकाने का मैं बताऊंगी आपको। इसको थोड़ी देर पकने देंगे, एक बार ऐसे और एक बार उल्टा करके पकने देंगे। उसके बाद देखिए, हमने पानी चढ़ा दिया था गैस पे, पानी गर्म हो गया था। उसके बाद इस पे भी खड़ा मसाला डाल रहे हैं हम। खड़ा मसाला डाल के हम इसमें घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद राइस जो धो के रखा था उसको भी डाल दिया है। अभी रेडी हो गया हमारा राइस, 80% कुक हो गया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह इस तरह स्प्रेड करना है। आप देख सकते हैं राइस बहुत खिला खिला है। अगर राइस एक दूसरे से चिपक रहा है तो आपका वो बिरयानी अच्छा नहीं लगेगा, इसके वजह से खुला खुला ही चाहिए हमको। 80% कुक हो जाए तब तक निकाल देना है। और एक मैं बात बोलना चाहूँगी, फिश बिरयानी बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई सोचते होंगे फिश बिरयानी क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आपका चिकन बिरयानी रहता है वैसे इस तरह भी यही होता है, ये भी उस तरह ही लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने खूब सारे फ्राई किए ओनियन को रखा था, उसको भी बहुत अच्छी तरह डाल देंगे चारों तरफ। उसके बाद हमने जो रखा था धनिया और पुदीना को, उसको भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसी समय घी और फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है फूड कलर, इसके वजह से मैंने नहीं लिया है। आप चाहें तो ले सकते हो, सेम ही टेस्ट लगता है, सिर्फ कलर अच्छा दिखता है, बस उतना ही है। इसको हम बहुत अच्छी तरह सिल्वर पेपर से सील कर देंगे, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें घी डाल के सिल्वर पेपर से चारों तरफ सील करके कवर लगा देंगे, ढक देंगे बहुत अच्छी तरह। और इसको हम 15 मिनट तक कुक होने देना है। 15 मिनट तक चाहिए हमको, 15 मिनट के बाद हम इसको निकाल सकते। देखिए रेडी हो गया हमारा, 15 मिनट भी हो गया हमारा। अभी धीरे से निकालना है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बन गया हमारा फिश बिरयानी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे से निकालना है। मैं जिस तरह निकाल रही हूँ इस तरह ही निकालना है, नहीं तो जो फिश है वो टूट सकता है, उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। उसके बाद हमारा रेडी हो गया फिश की बिरयानी। आप देख सकते कितना मसालेदार ज़बरदस्त बना है। ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, उससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।